खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम टू अंज न्यूज मीडिया। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया की खास प्रस्तुति विश्वकर्मा पूजा के मौके का कार्यक्रम। भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में अपना विश्वास समर्पित करता हूँ। इस किनार में हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग जो भव्य पूजा विशेषकर भगवान विश्वकर्मा जी अगर सनातन धर्म को हम सभी मानने वाले लोग सृष्टि का निर्माता भगवान ब्रह्मा जी अब ब्रह्मा जी के सातवां पुत्र विश्वकर्मा जी एक वंशज के द्वारा दुनिया को स्थापित किया गया, इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ, रूप दूसरा। हम मानव जाति के लोग इसको अलग अलग ढंग से प्रचारित करते हैं, पर जहां भी सृष्टि का निर्माण होता है उस निर्माण में भगवान विश्वकर्मा अनेकों नाम से अपनी दक्षता को दिखाते हैं। साथियों, बड़ा सौभाग्य का दिन है। दोस्तों, बच्चों, आज इस किनार में दूसरी बार विश्वकर्मा पूजा में आने का मौका मिला है। आप जो विश्वकर्मा जी को हर व्यक्ति हर समाज के लोग इस पूजा को करते हैं, मैं उसमें विशेषकर जो हुनर जानते हैं, जो हुनर की पहचान जानते हैं, वो विशेषकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। हमारे पूर्वजों ने, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब जब शुक्र भगवान का दो मंदिर बन रहा था, तीन, एक देव में, दूसरा देवकुल में जो गोहस्तपुरा के पास है, और तीसरा कुंगा में, तो भगवान विश्वकर्मा रात भर में ये मंदिर का निर्माण कराया। अंतिम में जब आ गए कुंगा, तब तक सूर्य उदय होने वाला था और वो मंदिर का गेट उस जमाने से आज तक उस गेट का निर्माण नहीं हुआ। यह पहचान भगवान विश्वकर्मा जी का। तो आप क्या कहते हैं? अरे भगवान विश्वकर्मा जी के प्रार्थना करिए कि बढ़िया खेत हो। अब खेत में हल जोतते हैं, किसान ट्रैक्टर चलाता है, ये क्या है? तो भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा है। आज 21वीं सदी में जो चांद पर जो इसरो गए हैं, किसका देन है? तो भगवान विश्वकर्मा जी का देन। विश्वकर्मा जी को हर कण में, हर दिल में, हर घर में बसे हुए हैं। बस उनको आप किस रूप में याद करते हैं? जब भगवान की भक्ति जब भक्त को जगता है, तो भगवान अपने आप सद्बुद्धि देते। वासुदेवाय का उच्चारण की, हरे राम हरे कृष्ण, ये कौन नहीं बोलता है? हर व्यक्ति बोलता है, मगर बोलने का अपना एक भाव होता है। ये हमारे कलाकार जिस भाव से आपको समझा रहे थे, वो भाव भक्ति की ओर ले जाने का था। आज का ये माहौल
एक तरफ वो माहौल है जहाँ खाने की लाइन लगी है और दूसरा तरफ ये माहौल है कि भगवान विश्वकर्मा के प्रति आस्था का भीड़ है। दो तरह की भीड़, इस भीड़ को आपको चिंतन करना है कि भगवान पर आस्था रखने वाले लोग अपने आप उनको भगवान विश्वकर्मा भोजन कराए, बट जो नौजवान जो बच्चे को लगता है कि भगवान के भोग खाने से ही भगवान का दर्शन होगा, तो अध्यक्ष महोदय उनको भोजन करवा रहे हैं। हर समाज में एक जागृति होती है, आप समाज के जागृत लोग हो। आपको उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं आप जानते भी होंगे, मानपुर, उस मानपुर का अलग अलग व्यवस्था है। हम जहाँ पर रहते हैं वो हमको बोलते हैं कुम्हारपुर, वहाँ सभी जात के लोग हैं, विश्वकर्मा भी है, कुम्हार भी है, चमार भी है, भुइया भी है, पटवा है, ततवा है, और उसमें हम लोग भी हैं। तो वो समाज में एक जो पटवा और ततवा जाति था वो काफी हमने पीछा, बहुत पीछे था, उसके घर के रहन सहन भी पिछड़ापन था। आज वो पटवा टोली, पटवा टोली नहीं बोलता है, आईटीएम टोली बोलता है। वो आईटीएम की निर्माण उसी पटवा समाज के पढ़े लिखे लड़के ने समाज का जमात बनाया, और उस जमात से जो ज्योति दिखी, जो ज्योति जली, आज पटवा टोली में पूछेंगे आपका बेटा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, कोई आईएएस हुआ, कोई आईएएस हुआ। तो वो जागृति राजकुमार जी आपको भी अपने समाज में लाना होगा, इन बच्चों में वो आवाज देखना हो, उस आवाज देखने का कोई नेता अभिनेता नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं तो समाज के लोग। आप एक छोटे से एक मॉडल देकर चले, पांच बच्चे, दस बच्चे, बीस बच्चे, जो समाज ने जब इतना चंदा इकट्ठा किया तभी ना भंडारा होगा, भगवान विश्वकर्मा को जगा रहे, उसी में से चंद पैसे रख कर अगर उसी भाई विश्वकर्मा भगवान के आशीर्वाद से पांच बच्चों को अगर आप अच्छा शिक्षा के लिए प्रेरित करें, उसको जब आप प्रेरणा देंगे, जब उसको शिक्षा माँ सरस्वती के प्रति जागृति आएगी, तो वो पांच व्यक्ति 50 बनाएगा, 50 500 बनाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि किनार के विश्वकर्मा समाज के देखते हुए विश्वकर्मा यहाँ किनार के अन्य समाज के लोग भी उसमें आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, और एक ही रास्ता है, सारा रास्ता बंद है भाई। बेटा पढ़ गया, बीएड कर गया, सिपाही के लिए दौड़ रहा है, तो कभी अग्नि भी आ रहा है, तो कभी बहाली बंद हो जा रहा है, मगर ये जो आप जो शिक्षा देंगे उससे उसकी तेज, उसकी आभा का प्रकाश जब निकलेगा, तो अपने आप किनार जैसा जगह में भी बच्चे आईआईटीएम, एनआईटी, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये सामाजिक मंच है, और समाज के निर्माण करने के लिए, समाज के विकास करने के लिए अगर कोई रोशनी देने का काम करे, उस बात को समाज के लोग को सुनना चाहिए। आप आज 21वीं सदी में टीवी पर आप देखते हैं कि चांद पर इसरो का रॉकेट लॉन्च किया घूम रहा है, विषय है कि इसरो पर रॉकेट जो गया उसमें किनार गया के लोग भी है, गए या नहीं गए, इसकी प्रयास करनी चाहिए। साथियों, आप सभी को विश्वकर्मा भगवान इतनी शक्ति प्रदान करें कि आप हर वर्ष
इसी तरह हल्लो हल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा आप मनाते रहे, विश्वकर्मा भगवान को जगाते रहे। भक्त से भगवान जगता है, भक्त से भगवान जगता है। आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे ओर से भाइयों पुनः आपको फिर बोलते हैं कि घर में ज्योति जलना है तो माँ सरस्वती और भगवान विष्णु के आगे झुकना है। जब ये दोनों भगवती भगवान अम्मा जागेगी तो विश्वकर्मा समाज में एक नया तेज, नया विकास उभरेगा, एक नया विकास की ओर आप आगे बढ़े हैं। जय हिंद, जय भारत। इस प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।